खबर देखने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वातानुकूलित कक्ष में पले तुम्हारे गीत मेरे गीत फुटपाथ पे हुए जवान है। कि वातानुकूलित कक्ष में पले तुम्हारे गीत मेरे गीत फुटपाथ पे हुए जवान है। कि आसमान सुख का बयान है तुम्हारे गीत मेरे गीत धरती के दुख का बयान है। कि शीशे के गिलास जैसे नाजुक तुम्हारे गीत मेरे गीत पत्थरों की चोट के निशान है। केवल तुम्हारी ही जुबान है तुम्हारे गीत मेरे पूरे देश की जुबान। मेरे सपनों की सरलता है मेरे मन की लगन। आ कहीं दूर चले। रामदास अठावले जी आदरणीय है, कह रहे हैं तो माइक में मैं बात करूंगा। हालांकि आप मेरे पूरे मन की जो बात है, जो मेरे मन की पीड़ा व्यथा, जो आज समाज में सत्यता की राह में जो हजारों किस्म की रुकावटें हैं, वो सारा मैं अपनी बात कह चुका हूं। क्योंकि हमारे माननीय मंत्री साहब जिन्होंने शेर की तरह, लायंस की तरह जिस लड़ाई को लड़ा है, जो समाज के दबा कुचला वर्ग, जो हर तरह के महरूम जो एक वर्ग है, उसकी जो लड़ाई लड़ी है, हम उसी के हिस्सा हैं। जैसे इस बुक में भी आपने पीपीटी भी आपने देखी है। माननीय मंत्री साहब, एसपी चौहान जो इस बुक का नायक है, ये नवचेतना मंच ने इस बुक को तैयार कराया है और दैनिक भास्कर के ब्यूरो चीफ ने इस जिंदगी को लिखा है। ये हम चर्चा तो कर चुके हैं, क्योंकि आपकी नजर में डालना चाहते हैं कि एक निकतु गांव जिला करनाल हरियाणा का एक ठाकुर का बेटा, जो अति गरीब परिवार में पैदा होके, और वो ठाकुरों का पूरा एरिया है, वहां जो कमजोर जातियां हैं, जो हरिजन, बाल्मीक, जो बैकवर्ड क्लास, उन पे जिस तरह का अन्याय था, कम मजदूरी का मिलना और किस तरह का बिना कसूर के जो सजा मिलती थी, और ठाकुर लोग कैसे उन गलियों में भी जाना पसंद नहीं करते थे जहां मजदूर, हालांकि खेतों में काम मजदूर करते थे, कमा के मजदूर देते थे, पर उन गलियों में भी जाना पसंद नहीं करते थे, छुआछात था। तो इस नायक ने, इस ठाकुर के बेटे ने 1978 से लेके और लंबे समय तक जातीय जो एक द्वेष था, घृणा थी, उसको तोड़ने के लिए हरिजन बाल्मीक बस्तियों में गए, उन्हें और शेर के रूप में, लायंस ऑफ द पीपल के रूप में जाने जाते हैं। तो रामदास अठावले जी। उपस्थित सभी भाई और बहनों और पत्रकार मित्रों,
मैं नहीं हूं किसी का भी गुलाम, मैं नहीं हूं किसी का भी गुलाम, इसलिए मैं करता हूं एसपी चौहान के संघर्ष को सलाम। मैं नहीं करूंगा मेरे बाबा साहब के विचारों को नीलाम, मैं नहीं करूंगा डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी के विचारों को नीलाम, इसलिए मैं करता हूं संदीप साहिल को सलाम। तो आज यहां एक किताब का विमोचन हो रहा है और करनाल जो हरियाणा में करनाल जिला है, पानीपत के बाजू में, सोनीपत के बाजू में, कुरुक्षेत्र के बाजू में, वहां का ठाकुर समाज का लड़का जो एसपी चौहान के नाम से जाना जाता है, और वो ठाकुर होने के बावजूद भी गरीबों के हित के लिए, दलितों के हित के लिए वो संघर्ष करता है। तो फिर एक बार मैं चौहान जी को याद करता हूँ और संदीप साहिब जी को बधाई देता हूँ कि आपने बहुत अच्छे विषय पर अपनी किताब लिखी है, समाज में जो कमियां है उसको दूर करने की भूमिका आपने उसमें रखी है, इसीलिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ और हमारे तरफ से जो भी सहयोग आपको चाहिए वो सहयोग देने के लिए आपको तैयार है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं ये संघर्ष को मैं सलाम करता हूँ और मेरे दो शब्द खत्म करता हूँ, जय भीम, जय भारत, जय महाराष्ट्र। मैं अपनी बात रख चुका हूँ कि सत्यता के मार्ग में जब आदमी बहुत सच्चे मन से, पवित्र मन से किसी चीज को करना चाहे तो पूरा आलम, पूरी दुनिया की ताकत उसके पीछे आके खड़ी हो जाती है। कभी सच पे चलने वाला आदमी नाकामयाब नहीं हुआ, ये इतिहास है। तो हमारे दोस्तों ने ये किताब, जब इसका हिंदी में विमोचन हुआ आदरणीय मनोहरलाल खट्टर जी ने और बहुत सारे मंत्रियों के बीच जब इसका विमोचन हुआ तो वहीं पे फैसला हुआ कि इस पे पिक्चर बननी चाहिए। और हमारे नवचेतना मंच में, क्योंकि 90 एनजीओ हैं, उन्होंने सबने इसमें योगदान किया है। तो आज कोई पैसा कमाने की इच्छा नहीं है, ये पिक्चर बनकर तैयार हो गई और नवंबर में शायद आपके बीच में होगी। तो ये पैसा सारा सामाजिक पैसा है।